यूपी विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी से समाजवादी पार्टी में गए स्वामी प्रसाद मौर्य बड़ी बड़ी डींग हाँक रहे थे। स्वामी प्रसाद मौर्य दावा कर रहे थे कि वो जिस पार्टी के साथ जाते हैं उसकी सरकार बन जाती है, लेकिन एग्जिट पोल ने मौर्य के दावों की ऐसी पोल खोली है कि वो मुंह दिखाने लायक भी नहीं रहे। पडरौना छोड़ फाजिलनगर भागे मौर्य की चुनाव के दौरान भारी फजीहत होती रही। मौर्य के समर्थक फाजिलनगर में मारपीट भी कर चुके हैं। वहीं अब एग्जिट पोल जो सामने आ रहे हैं उसमें मौर्य के हार की कहानी लिखी हुई है। टाइम्स नाउ नवभारत के एग्जिट पोल के मुताबिक फाजिलनगर से स्वामी प्रसाद मौर्य हार रहे हैं। बीजेपी के सुरेंद्र कुमार कुशवाहा यहां से जीत सकते हैं। बीजेपी ने जो फाजिलनगर में मौर्य की घेराबंदी की थी वो कामयाब होती हुई नजर आ रही है। मौर्य को फाजिलनगर की जनता ने नकार दिया है और एग्जिट पोल में साफ नजर आ रहा है कि मौर्य का फाजिलनगर से बुरिया बिस्तर बंधने वाला है। टूडेज चाणक्या ने जो जातिगत सर्वे किया है उसमें सपा भी MI समीकरण को ही साधने में कामयाब रही और दूसरी जाति अखिलेश के नई सपा वादे पर भरोसा नहीं कर पाए। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य सहित एक दर्जन से अधिक OBC नेता सपा को अन्य पिछड़ा वर्ग का वोट नहीं दिला पाए। टूडेज चाणक्या का एग्जिट पोल कहता है कि सपा गठबंधन को 16% ब्राह्मण वोट मिल सकते हैं। सपा ने ब्राह्मणों को बीजेपी से नाराज बताते हुए उन्हें अपने पाले में लाने की बहुत कोशिश की थी, लेकिन उतनी कामयाबी मिलती नहीं दिख रही है। यही हाल फाजिलनगर में मौर्य के साथ हुआ है। मौर्य जिस OBC वोट बैंक के दम पर कूद रहे थे वो वोट सुरेंद्र कुशवाहा के पक्ष में चला गया और रही सही कसर सपा से BSP में गए इलियास अंसारी ने पूरी कर दी, जिससे यही लग रहा है कि फाजिलनगर से मौर्य की हार हो सकती है। इसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य के सपा में शामिल होने से अखिलेश को भी कोई फायदा नहीं हुआ। मौर्य कह रहे थे कि OBC वोट बैंक उनके साथ है जो कि सपा के खाते में जाएगा, लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक मौर्य के दावों के उलट महज 30% OBC वोट सपा को मिले हैं। ऐसे में मौर्य का सारा खेल फेल हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMS न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।